अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। जैसे कि आप सभी लोगों का कमेंट आ रहा था कि लोगों को खाना वगैरह नहीं मिल पा रहा है और काफ़ी जो लोग है वो बहुत ही मायूस है, अपने घरों के अंदर है और उन लोग रात का भी खाना उनको नसीब नहीं हो पा रहा है। बात करेंगे हमारे साथ अभी हजरत शाह सकलेन अकेडमी की, तो अभी हाजी उस्मान सर हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे इनसे। आप लोग किस तरीके से सहायता कर रहे हैं मुमरा कौसा वासियों की? मुमरा सोता वासियों को हमारे यहाँ अभी हॉस्पिटल रहमानिया हॉस्पिटल है, उधर दोपहर में खाना बनता है, रात को खाना बनता है, यानी रोज़ 100 किलो खाना बनता है। अमृत नगर बोलते हैं मुमरा, ठीक है, और हर जगह तकसीम होता है। और हमारी टीम जो मुमरा की है वो बहुत मजबूत है और जहाँ जहाँ चूल्हा नहीं जलता है वहाँ खाना पहुँचाती है और लोगों को, वो इसलिए कि चूल्हे नहीं जल रहे। और अभी हम यहाँ आए हैं, अनाज लेके आए, जो एक घर के अंदर कम से कम 7 दिन का, एक परिवार का 7 दिन का गुजरान होगा, ठीक है। इसी तरह बम्बई में भी हमारा इसमें नाखुदा मोहल्ले में 100 किलो माल रोज बन रहा है। सुबह नाश्ते में जो परेशान हाल है उनको चाय बिस्किट, दोपहर को खाना, रात को खाना। और हमारी टीम मीरा रोड में भी है, वो भी इसी तरह से काम कर रही है, अनाज भी बांट रही है, खाना भी पहुँचा रही है। हमारे यहाँ चोर विहार के अंदर कांच वाला बिल्डिंग, वहाँ पे भी हमारी टीम 2 टाइम 100 किलो खाना बांट रही है। और दीगर इलाकों में जितने भी बम्बई के इलाके हैं, जैसा कि कुर्ला है, गोवंडी है, और तुम्हारा मलार मालोनी है, जोगेसरी है, और मुंबई है, मुंबई में भी काफ़ी हमारी संस्था है जो ये खाने का काम कर रही है। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो आफत आई है उस आफत से लोग घरों में रहे, बचे रहे, इसीलिए हम ये काम उनके लिए करना चाहते हैं। लगता नहीं अगर आप जैसे लोग नहीं होते तो कोरोना से तो पहले, लेकिन भूखमरी से लोग ज़्यादा मरते? देखो, भूखमरी से तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो ऊपर वाले की इच्छा है कि किसको ज़िंदा रखे, किसको उठा ले। लेकिन जब ये हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा समय नहीं आया, यानी मैं 68 ईयर्स का हूँ, समझे, तो हमारी ज़िंदगी में ऐसा समय नहीं आया जो ये समय आया। मगर ये समय को मात देना है, कोरोना को मात देना है, हमारे देश को बचाना है। हम ये इसीलिए संस्था काम कर रही है हमारे धर्म गुरु के साये तले, हमारे सकलेन मियाँ हुजूर के साये तले, कि ताकि कोरोना से लोग घर में रहे, बाहर ना आए, हुकूमत का पालन भी करे, और हम उनको घर घर जाके खाना दे, उनके चूल्हे जले, अनाज दे। जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके लिए हजरत शाह सकलेन अकेडमी क्या क्या करेगी? हजरत शाह सकलेन अकेडमी तो पहले है ना मास मैरिज है, और हमारे यहाँ बरेली शरीफ में हॉस्पिटल है जिसमें सिर्फ 2 रुपया फीस है, यानी कोई भी आज दुनिया में किधर भी 2 रुपये की कोई मान्यता नहीं है। वहाँ पे ठंडी हो तो कंबल बांटे जाते हैं, हॉस्पिटलों में फ्रूट बांटे जाते हैं। अभी जे में हमारी एकेडमी ने फ्रूट बांटी, ओल्ड रूम आता ना जो ओल्ड एज, वहाँ पे फ्रूट बांटी है, वहाँ पे खाने का लंगर बटा है। यानी बरस के 12 महीने हमारी हजरत शाह सकलेन एकेडमी ऑफ इंडिया, हमारे सकलेन मियाँ हुजूर पीरो मुर्शिद के साये तले ये हम लोग काम करते हैं। जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप घरों में रहो, और ये कोरोना जो है ये कुदरती आफत है, और हमारे देश का पालन करना है। हमारे देश का क्या है संदेश है, उस संदेश को हमको पालन करना है ताकि ये बीमारी यहाँ नहीं फैले, यहाँ से ख़त्म हो जाए, और हम चाहते ही है कि बीमारी हिंदुस्तान से चली जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे हमारे मुमरा वासियों से कि जिससे भी जो हो सके अपने भाइयों की वो मदद करे, बढ़ चढ़ कर करे, ताकि दूसरे हमारे जो भाई है उनके पास अनाज भी पहुँचे और वो अपने घरों के अंदर महफूज रहे, बाहर रास्ते पर ना निकले, अपने घरों को अपना किला बनाए, और अपने घर वालों की हिफाजत के लिए वो अपने घरों को ना छोड़ें। और जो भी साहेब माल है उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि हजरत शाह सकलेनिया ऑफ इंडिया एकेडमी ने जो काम किया है, जो बीड़ा उठाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर भी रही है, और पूरे बम्बई में कर रही है, पूरे महाराष्ट्र में कर रही है, बल्कि पूरे दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी एकेडमी एकदम साना बसाना होकर चल रही है, गरीबों को मदद पहुंचा रही है, भूखों को खाना खिला रही है, जो बीमार है उनके लिए दवाइयों का इंतज़ाम कर रही है, और दीगर भी काम ऐसे फलाही काम हमारी तंजीम करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर मुर्शिद हजरत शाह सकलेनिया के ज़ेर साया
जब तक कि हम जिंदा रहेंगे, हम अपने पीरो मुर्शिद के साए तले ये काम करते रहेंगे और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह हमको हमेशा हमारे पीरो मुर्शिद की गुलामी में कबूल फरमा ले और इस काम के लिए कबूल फरमा ले कि जो काम तू पसंद करता है वो काम हम करें और तेरे को राज़ी करें, तेरे महबूब को राज़ी करें। इसमें हमारी अना ना हो, रियाकारी ना हो, हमारा काम सिर्फ ये हो कि हम जो कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए है। हमारे पीरो मुर्शिद की यही तालीम है कि तुम जो भी करो अल्लाह के लिए करो, और हम करते हैं, करते रहेंगे। और मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि तुम साहिब माल हो, तुम दूसरों की मदद करो और अपने आप की हिफाजत करो, बाज़ारों में गर्दी ना करो। अपनी माँ बहनों से कहो कि बगैर किसी भी उज्र के वो घर से बाहर ना निकले, अपने बच्चों को घर में रखो ताकि उनकी हिफाजत हो सके, बीमारी को कैरी करके अपने घर ना ले जाए। अल्लाह हाफिज़।